नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु मकर स्पेशल में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन यानी कि 8 जून 2020 का दिन कैसा बीतने वाला है। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाला है, अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से वीडियो को आप सुनते रहें। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आपकी बात मेरे से हो सकती है। वहाँ मेरा अकाउंट है YT पुरुषोत्तम के नाम से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 जून 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है तृतीया, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, पक्ष है कृष्ण पक्ष और दिन है सोमवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 5:22 में और सूर्यास्त हो रहा है 7:17 में। ऋतु है ग्रीष्म और आज का दिन काल है 13:55 20 का। महीना है आषाढ़ और आज के दिन शुभ समय शुरू होता है 11:51 AM से 12:49 PM तक और अशुभ काल शुरू होता है 12:50 PM से 1:43 PM तक और दोबारा है 3:35 PM से 4:30 PM तक और अशुभ काल शुरू होता है 7:07 AM से 8:51 AM तक और दिशाशूल है पूरब दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और अनोखा टोटका है, तो आप उसे भी देखें और आजमाने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनते रहें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। आज के दिन आपका जीवन साथी आपके लिए फरिश्ता से कम नहीं है, ये बात आप महसूस करोगे, ये चीज़ आज के दिन आप फील करने वाले हो और इस वजह से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज़्यादा मजबूत और शानदार होगा। वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य है, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। आज के दिन अगर अपने नए काम की आप शुरुआत करना चाहते हो, आज के दिन से नए काम में आप हाथ लगाना चाहते हो, तो ऐसा कुछ आप न करें, क्योंकि नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से आपका समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप नए काम की शुरुआत करोगे तो इस काम के वजह से आने वाले वक्त में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सही है, आज के दिन आपका प्रेम संबंध काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहेगा और आप दोनों के संबंध में आज के दिन मजबूती भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात की जाए, पारिवारिक जीवन की बात की जाए, तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य है, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। आज के दिन अपने घर परिवार में सभी लोगों के साथ अपने संबंध को सभी लोगों के साथ अपने संबंध को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा।
लेकिन अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आज के दिन अगर अपना पैसा आप किसी भी व्यक्ति को उधार देते हो तो उधार देने के लिहाज से आपका समय आपका साथ नहीं देने वाला है। इसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। आज के दिन आपका आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है और इस वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है केसरिया और पीला, और शुभ अंक है आपके लिए 4 यानी कि 4। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों उपाय बहुत सामान्य है। आज के दिन अपने समय को बेहतर करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें और साथ में बजरंग बाण का पाठ करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो मित्रों इस वीडियो को आप लाइक कर दें, हर जगह शेयर कर दें ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों वो इस वीडियो को देखकर अपने समय को बेहतर और शानदार बना सके। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।